लाख 10 लाख करोड़। अब हम इतने टाइम से कहाँ तक, 10,000 तक हमने क्या पढ़ा था, 10,000 तक की संख्याएं को पढ़ा था और जाना था। अब उसके बाद हम क्या जानेंगे, 10,000 के बाद क्या आता है, लाख, उसके बाद 10 लाख, फिर करोड़, इन करोड़ तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे। अब तुम समझ गए होगे कि संख्याएं कैसे आगे बढ़ती हैं, है ना। गिन तारे में जब नौवां स्थान भर जाता है तब उसके बाद नए स्थान के लिए, नए दसवें स्थान, दसवें गिन तारे के लिए हम क्या करना पड़ता है, नया स्थान हमें क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो गिन तारे में संख्या प्रदर्शित करते समय जब भी किसी स्थान पर दसवां मोती आता है तब हम क्या करते हैं, इन 10 मोतियों के बदले एक मोती अगले स्थान पर डाल देते हैं। हर नए स्थान का नाम अलग होता है। अभी तक तुम पढ़ चुके होगे, क्या पढ़े हैं हमने, कि 10 इकाइयाँ बराबर क्या होती है, 1 दहाई होती है, है ना। 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़े बराबर 1,000 और 10,000 बराबर 1,10,000। अब 1,10,000 के बाद हमने क्या करना है, 10,000 के आगे की भी संख्या जो होती है उसको बारे में जानेंगे। 10,000 के आगे भी यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। 10,000 के बाद आने वाले स्थानों के नाम नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि 10,000। अब 1,10,000 था, अब 10,000 एक साथ मिलेंगे तो क्या बनता है, वो 1,00,000। 10,00,000 एक साथ मिलेंगे तो क्या मिलेगा, 1,10,00,000। 1,10,00,000 और 10,10,00,000 मिलके क्या मिलेंगे, 10,10,00,000 मिलके बनेंगे क्या, 1 करोड़। और 10 करोड़ मिलकर क्या बनता है, 1,10,00,000। नीचे बनी तालिका में संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखा गया है, इसे ध्यान से देखकर समझ लें। कुछ समस्या हो तो अपने शिक्षक से मदद भी ले सकते हैं। क्या दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, शब्दों में दी हुई है और अंकों में भी दी हुई है, और ये तालिका बना दी है, करोड़, लाख, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़ का क्या है, तालिका बनाया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे संख्या कौन सी लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,000, 7,25,420, 7,25,420। अब लाख बोल रहे हैं तो लाख में आएगा, है ना, लाख वाले खंड में सिर्फ लाख में, 10,00,000 में नहीं, लाख में 7 आएगा। हजार वाले खंड में 10,000 की जगह में 2 और हजार की जगह में 5, तो 2 और 5 मिलकर क्या बनेंगे, 25। 7,25,000 सैकड़े में 4, दहाई में 2 और इकाई में 0, 420। वैसे ही क्या करना है, आगे की संख्याओं को हमें लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,000, 10,00,000, 25,00,000, 4,562, 25,00,000। अब ये क्या है, 10,00,000 के जगह में क्या आएगा, क्योंकि ये 7 था, सिर्फ 7,00,000 था तो 7 एक संख्या में आया था, अब 25 हो गया तो वो 10 की जगह में चले जाएगा, तो 25,00,000 4,562, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 10,00,000, 10,27,985, 10,27,985, 10,27,985, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, 3,15,00,000, 34,859, 3,15,35,859, 3,15,00,000 और 34,859, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, तो 10 करोड़ की जगह में आ रहा है ना, ये सबसे बड़ा संख्या क्या है, 10 करोड़। क्योंकि क्या है, 3 करोड़ था तो 3 क्या है, एक ही संख्या है, लेकिन 94 है, 94 है, तो ये क्या हो गया, 2 संख्या, तो क्या किस में कौन सी संख्या में जाएगा, ये 9, 10 करोड़ वाले जगह में, 94,24,05,378, 94,24,15,368।
अठहत्तर, 378। अब देखेंगे इसके आगे की संख्याओं को। अगला प्रश्न क्या है, संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखो। संख्याओं, संख्या दिया हुआ है, उन्हें शब्दों में लिखना है, उन और अंक शब्द में दिया हुआ है, उन्हें अंकों में लिखना है। तो क्या है, पहले पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 724,520, 724,520, 523,712, 523,712, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10,00,000, 25,54,399, 25,54,399। नेक्स्ट में क्या है, 72,06,310, 72,06,310। नेक्स्ट में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10,00,000, करोड़, करोड़ तक की संख्या है ना, तो 1,93,000 होगा ना, 1 करोड़ के बाद क्या आता है, लाख आता है, 93,25,000, उसके बाद 100, सैकड़े आता है ना, हजार के बाद 465 है ना, 3,22,46,000, 3,22,46,000, 3,22,46,000। अब नेक्स्ट में क्या है, 7 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, तो कितने शून्य आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 करोड़ में कितने शून्य आ गए, 7 शून्य। अब नेक्स्ट में क्या है, कौन सी संख्या किसके पास है, हमें क्या देखना है, निकटतम की संख्या, कौन किसके ज़्यादा निकट है। तो ये क्या है, एक संख्या रेखा है ना, इसमें संख्या प्रदर्शित की है 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब एक और संख्या यहाँ पे बीच में दी हुई है, क्या है वो, 48। तो 48 कौन सी संख्या के 40 और 50 के बीच में है ना, तो 40 और 50 के बीच में तो है, लेकिन वो कौन सी संख्या की ज़्यादा निकट है वो हमें देखना है। 48 40 और 50 के बीच की संख्या है, 48 किसके ज़्यादा पास है, 40 या 50 के पास, तो हमें क्या देखना दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है कि ये 50 के ज़्यादा पास है, क्योंकि ये 40 से दूर दिख रहा है, तो 40 या 50, 50 के पास है ना, अतः 48 का निकटतम संख्या क्या है, 50, जो दहाई के निकटतम मान है, जो दहाई के निकटतम मान है। नेक्स्ट में क्या भी सेम है, संख्या रेखा दी हुई है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक की, और एक संख्या दी हुई है क्या, 42, 42, तो 42 और 40, 42, 40 और 50 के बीच की संख्या है, 42 किसके ज़्यादा पास है, किसके पास है, 40 के पास है ना, अतः 42 का निकटतम संख्या क्या है, 40। अब 120 और 130 के बीच में संख्या दी हुई है
26, अब 126 किसके ज़्यादा पास है, 130 के पास, तो 130 126 का निकटतम है, निकटतन है क्या, संख्या कौन सी है, 130। वैसे ही एक और है, 300 और 400 के बीच में कितना है संख्या, 357 किसके ज़्यादा निकट होगा वो हमें देख करके बताना है। तो 357 300 और 400 के बीच की संख्या है, 357 किसके ज़्यादा पास है, 357 देख के बता सकते हैं हम कि 400 के ज़्यादा पास है ना, तो 400 के पास है तो निकटतम संख्या क्या होगी, 400। वैसे ही 600 और 700 के बीच में है क्या, 620। अब 620 किसके ज़्यादा पास है, किसके पास है, 600 के बाद 610 आएगा, 620 आएगा, 630 आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके 700 आएगा, है ना। तो किसके पास हो गई, 600 किसके ज़्यादा पास है, 600 के, 620 600 के पास है, तो 620 के निकटतम संख्या क्या होगा, 600। विशेष स्थिति, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं के बीच हो तो उनका निकटतम स्थान कैसे ज्ञात करेंगे, 350 किसके ज़्यादा पास है, 350 किसके ज़्यादा पास है हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि जैसे कि 300 और 400 के बीच की संख्या है लेकिन ये बीच की ही संख्या है, तो किसके ज़्यादा पास है वो हम कैसे पता करेंगे, 350 और 300 और 400 के बीचों बीच है, ऐसी स्थिति में 350 का निकटतम क्या माना जाएगा, 400 माना जाएगा, क्योंकि अतः 350 का निकटतम क्या है, 400 है, क्योंकि 300 के बाद की संख्या है क्या, 350, 300 के बाद 350 आएगा, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 400 आएगा, तो कौन सी संख्या को हम निकटतम मानेंगे, जब ऐसी स्थिति में 400 को, दी गई संख्याओं के दहाई के निकटतम मान पता करो, ये जो संख्या दी हुई है इनके दहाई के निकटतम संख्या क्या करना है हमें पता करना है, 62 किसके पास होगा, 95 93 और 459, 62 95 93 459 इनकी निकटतम संख्या हमें क्या, दहाई के निकटतम मान पता है। वैसे ही दी गई संख्याओं का सैकड़े के निकटतम मान पता करो, दी गई संख्याओं के दहाई व सैकड़े दोनों के निकटतम मान हमें क्या करना है, पता करना है। पहला प्रश्न क्या है, दी गई संख्याओं के दहाई का निकटतम मान याद करना है, इन संख्याओं का क्या संख्या है, 62 95 93 and 459, 62 95 93 और 459, इन संख्याओं को क्या करना है, एक एक करके हमें संख्या रेखा पर पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या किसके पास है, पहले संख्या रेखा हमें बनानी पड़ेगी। तो पहला क्या है, 62 किसके ज़्यादा नज़दीक होगा, ये एक संख्या रेखा है ना, तो 30 40 50 60 70, 60 के बाद क्या आएगा, 62 आएगा, है ना, गिनती में क्या होता है, 60 के बाद 62 आता है, तो 60 के जस्ट बाद 1 2, 61 62, तो 60 के पास होगा कि 70 के, किसके निकटतम संख्या है ये, 60 के, है ना, तो 60 और 70 के बीच की संख्या है ना, बीच की संख्या है, और तो देख हमें क्या पता चला कि 62 किसके ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा पास है, 60 या 70 किसके ज़्यादा पास है, तो 60 के ज़्यादा पास है ना, 60 के ज़्यादा पास है, कौन, 62, जो दहाई के निकटतम मान है। अब दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 95, 60 70 80 90 100, अब 95 जो है वो 100 और 90 के बीच की संख्या है,
और बीचों बीच की संख्या है, तो 95, 90 और 100 के बीच की संख्या है। तो किसके ज़्यादा करीब है देखने के लिए क्या हमें मानना पड़ता है क्या कि 90 मानना नहीं पड़ता, 90 और 100 के बीच में है तो हम क्या मानेंगे, बीचों बीच है तो 100 के निकटतम क्या होगा, निकटतम 95 को मानेंगे। वैसे ही दूसरी संख्या क्या दी हुई है इसके बाद, 93, 93, 93, 70, 80, 70, 80, 90, 100, 110। तो 93 किसकी बीच की संख्या है, 90 और 100 के बीच की संख्या क्या है, 93 है ना, 90 और 100 के बीच में आएगा 93। लेकिन 93 किसके निकटतम है, 90 के या 100 के, 93 90 या 100 के, 90 और 100 के बीच की संख्या है, 100 के बीच की संख्या है। तो क्या देख के हमें पता चल रहा है, 93 90 के निकटतम की संख्या है। तो 90 या 100 के पास, किसके पास है, 90 के, तो 93 की निकटतम संख्या क्या होगी, निकटतम संख्या 50 है ना, सॉरी 50 नहीं 90। वैसे ही एक और संख्या क्या दी हुई है, 459, 459, 200, 300, 400, 500 और संख्या कौन सी है, 459, 459 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे 459, 460 है ना, उसके बाद धीरे धीरे करके 500 तक पहुँचेगी। तो किसके निकटतम हुई ये संख्या, 400 के, 459, 400 और 500 के बीच की संख्या है। तो 459 किसके ज़्यादा निकटतम है, 400 के निकटतम संख्या है। वैसे ही ये जो दी हुई है, दी गई संख्याओं के सैकड़े की निकटतम संख्या ज्ञात करो, इन्हें भी हमें क्या करना है, पहले संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, कि देखना है कि कौन सी संख्या किसके निकटतम है। दो ठो संख्या के बीच की संख्या होगी, जैसे कि 249 किसके बीच की संख्या होगी, 200 और 300 के बीच की संख्या, लेकिन 249 जो संख्या है वो 200 के निकटतम है ना। वैसे ही इनको भी क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके देखना है निकटतम संख्या और दी गई संख्याओं का दहाई और सैकड़े दोनों की निकटतम संख्या का मान हमें इनमें ज्ञात करना है।